हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ट्रिक। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इस एलईडी बल्ब को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये एक डीओबी एसीडीसी एलईडी बल्ब है। इस एक ही बल्ब में इसका सारा कंपोनेंट होता है, चार्जिंग से लेकर डीओबी जो बल्ब लाइन कटने के बाद जलता है और लाइन पर भी जलता है, दोनों एक ही बोर्ड में है। इसमें और कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, ये सिर्फ एसी में काम करता है और जब लाइन चला जाता है तब भी ये रोशनी करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो बैटरी वाला सेक्शन है वो ठीक ठाक वर्क कर रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं जब मैं इसे होल्डर से कनेक्ट करता हूं तो यह बल्ब वर्क नहीं करता, यानी इसमें कुछ खराबी है। तो इसे रिपेयर करके देखेंगे। इसे होल्डर से निकाल लेते हैं। होल्डर से निकालने के बाद इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे हम खोल लेते हैं। स्क्रूस को खोलने के बाद इसका ये जो पैनल है आसानी से निकल जाएगा। इसमें जो बैटरी लगा है इसे भी अच्छे से निकाल लेनी है। निकालने के बाद इसका जो बैटरी का कनेक्टर लगा हुआ है वह कनेक्टर को हमें निकाल लेना है। पहले इसमें जो एसी का सप्लाई का वायर है इसे सोल्डिंग आयरन के मदद से अच्छे से निकाल लेते हैं। दोनों सोल्डिंग की गई वायर को मैंने अच्छे से निकाल ली है। अब हमें इस बैटरी कनेक्टर को भी अच्छे से निकाल लेते हैं। अब इस पैनल को हम लेकर इस सोल्डिंग आयरन की जो हीटिंग एलिमेंट होता है इसके ऊपर रख देनी है। थोड़ी देर रखने के बाद यह गर्म होके इसका जो सोल्डिंग किया गया है वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। अब हम इससे जो जला हुआ एलईडी है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है उससे धीरे धीरे करके निकाल लेंगे। सारे एलईडी को निकालने के बाद इसे साफ़ करके इस एलईडी को निकल की गई जगह पर हमें नया एलईडी को फिट कर लेंगे। नया एलईडी को अच्छे से लगाने के बाद हम इस हीटिंग एलिमेंट को साइड में रख लेते हैं। अब इसका टेस्टिंग करके देखेंगे। इसमें जो एसी का इनपुट होता है दोनों इनपुट के वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। अच्छे से दोनों वायर को सोल्डिंग करने के बाद हम इसे होल्डर में कनेक्ट करके एसी का इनपुट देके देखेंगे कि ये कैसा काम करता है कि नहीं। अब होल्डर से इस प्लग को कनेक्ट करके देखेंगे। इसमें इस प्लग को थोड़ा लूज है, लेकिन हमारा बल्ब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, यानी हमारा बल्ब रिपेयर हो चुका है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इससे एसी वायर को जो सोल्डिंग किए थे पहले निकालने के बाद यहाँ पर हमें बैटरी को अच्छे से लगा लेना है। बैटरी कनेक्टर को अच्छे से लगाने के बाद इसमें फिर से इस एसी वायर को जो होल्डर से निकल रहा है इसे इसकी न्यूट्रल और लाइन पर हमें अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है।
दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद इस बैटरी को इस बल्ब के अंदर हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद हम इस पैनल को यहाँ पर इस बॉल के अंदर जो स्क्रू लगा है स्क्रू से अच्छे से कस लेंगे। अच्छे से स्क्रू को टाइट कर लेते हैं ताकि ये कभी निकले ना। अब इन दोनों टर्मिनल को शट करके देखेंगे। शट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसका जो लाइन कटने के बाद जलता है वो सेक्शन बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब इसे होल्डर से भी कनेक्ट करके देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी हमारा ये एसीडीसी एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छे से रिपेयर हो चुका है। अब इसे होल्डर से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।